राम राम सभी को, आप सबका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं हम सुबह के 8:30 या 9 बजे से ऑलमोस्ट। और अभी हम ब्रात में जाने के लिए हो गए हैं रेडी। जैसे कि देख रहे होंगे अंकी ने लगाई है आज साड़ी और काशु और मैंने लगाया है ये फेरन, जिससे कि हम बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे हैं और खुद को बहुत सुंदर फील करा रहे हैं भाई। और चलते अभी पहले खाना खुना खाते फिर दिखाती हूँ मैं आपको। ब्रात निकलने वाली है तो हम सब जाएंगे आज। ब्रात यहाँ पर निकल रही थी दूल्हा जब घर से निकलता है तो उसके सर से पैसे फेंके जाते हैं, चिल्लर जो होते हैं वो। मेन रोड पे अब यहाँ पर बस वगैरह गाड़ी वगैरह सब कुछ की गई है, तो अब गाड़ी में बस में बैठेंगे और सीधे चलेंगे नजदीक। जैसे बारात भी ज्यादा दूर नहीं जाएगी, बारात नजदीक जाएगी यहाँ पर लोकली में, मतलब 6 से 7-8 किलोमीटर का रास्ता है, ज्यादा से ज्यादा 8 किलोमीटर का है ना, कि लचकंड गाँव है ना, हाँ गाँव का नाम ऐसा है कुछ। और वहाँ पर जाएंगे हम और अब चलते सीधे और आपको बारात दिखाते बीच बीच में और थोड़ा सा नज़ारा दिखाते और मिलते हैं सीधे वहीं पर जाके। ये हमारे मतलब पुराने टाइम में इन्हें यूज़ किया जाता था, ये हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं और लोग इसमें डांस करना आज भी पसंद करते हैं। ये हम पहुंच गए थे दुल्हन के गांव में और मस्त यहां से हम डांस करते करते ऊपर गए हैं जहां दुल्हन का घर था वहां तक, और इंजॉय किया हमने, सभी इंजॉय कर रहे थे, तो आप भी इंजॉय करो जब तक हम ऊपर नहीं पहुंच जाते। आप भी देखो ऊपर पहुंचने के बाद सभी यहां पर बैठ गए थे और कुछ पूजा वगैरह होती है, दूल्हा दूल्हे के मामा जी और सभी बैठ गए थे, मतलब यहां पर जितने भी बारातियाँ थे वो सारे, वो और साथ में पंडित भी थे यहां पर जो अपने रिचुअल्स पूरे करके चले गए थे। ये सामने वाला दुल्हन का घर था और हम आए थे इस वाली तरफ घूमने, घूमने तो क्या आए थे, हम इधर बैठने आए थे, तो यहाँ पर बैठते हैं थोड़ी देर, धूप का आनंद लिया हमने। और व्यू तो भाई इतना ज़्यादा सुंदर था ना, सामने बिल्कुल घना जंगल था। शादी में आए हैं पर हम भाई पूरे जंगल में घूम रहे हैं, यहाँ के जंगली जंगल है साथ में घर के पीछे वाली तरफ। और शादी में तो क्या है करना, शादी हो गई है मतलब शादी लगी है और हम मस्त घूम रहे हैं और घूमते थोड़ी देर यहाँ पर। साथ में देखो भाई पेड़ कितना सुंदर है और इसमें पत्तियाँ कितनी अच्छी लगी है, कितना सुंदर कलर है। काश और बुआ तो उधर बैठ के, और रास्ता कुछ ऐसा है, यहाँ का लोकेशन अच्छी है, मतलब फ़ोटो वगैरह क्लिक करते हैं थोड़ी से। फ़ोटो क्लिक कराने के बाद हम बैठ गए थे खाना खाने, क्योंकि धाम भी लगी थी जो हिमाचल में बहुत ज़्यादा फेमस होती है, बस वही खाने की तैयारी में थे अब हम। और ये पत्थर दिए जाते हैं, ये पत्ते के बने होते हैं, बिल्कुल ट्रेडिशनल।
धाम वगैरह हमने खा ली अभी, और अभी हम थोड़े नीचे तक चले जाएंगे क्योंकि अभी बहुत रीति रिवाज और रस्में चली हुई है जिसमें हमें शामिल होने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो हमारे गांव से ही एक बुआ है जिनकी शादी यहाँ पर हुई है, तो हम उनके घर जाएंगे अभी। यहाँ पर लोगों ने हल्दी बीजी हुई है, हल्दी का प्लांट है मतलब ये, और साथ में मक्की निकाली है खेतों से, पर मक्की का जो घास है अभी तक लोगों ने काटा नहीं है, काफी घास बच गया लोगों का, हमारी तरफ सारा घास काट लिया है। बहुत सुंदर व्यू है, बहुत सारा। हमने तो पूरा दिन भर बैठा धूप ली आराम से, अरे पर थोड़ा बहुत घूमे और बस, शादी तो हमने नहीं देखी क्योंकि थोड़ा बोरिंग सा लग जाता है ना भाई, ना इतना इंटरेस्ट नहीं होता देखने का। ये ऊपर गांव है और नीचे रोड है, वहां पर मेन रोड। ये गांव का नाम लचकंडी, जो यहाँ पर रोड के साथ ही और ऊपर भी है। तो बस तो पता नहीं हमारी कहाँ खड़ी है भाई, उधर जाके तो हम बस तक पैदल जाएंगे, और व्यू बहुत ज्यादा सुंदर आ रहा है। ये हाईवे है भाई, रोड के लिए जो रास्ता है ये मेन रास्ता है, मेन रोड है। और भाई लोगों के छोटे छोटे खेत, क्यूट क्यूट से घर, ट्रेडिशनल घर हमारे, और व्यू देखो नीचे का, और भाई बादल कितने अच्छे लग रहे हैं साथ में। और बस कहाँ खड़ी है अभी तक मेरे को दिखाई नहीं दे रही भाई। अच्छा ये रही हमारी बस जिसमें हम सुबह आए थे, और इसी में हम वापिस जाएंगे। तो हम अपने लिए सीट रिजर्व करने के लिए पहले आ गए, मतलब हम बहुत ज़्यादा चंट है गाइस, बहुत ज़्यादा चलाक है हम लोग यार, सच में यार खड़े खड़े जाने का बिल्कुल मन नहीं है, इसीलिए हमने सोचा हम पहले ही चले जाते हैं और अपने लिए अपनी अपनी सीट रिजर्व कर लेते हैं, क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा भीड़ होगी, लड़की वाले भी आएंगे तो साथ में, तो इसलिए। पहुँच गए बस के पास हम, और पहले ही छोटे छोटे बच्चे भी आ गए हैं, सब ने अपनी अपनी सीटें रिजर्व कर ली है। ओ छोड़ो मेरी प्यारा लड़ी, हम तेरी अच्छी रात आराओ। अभी तक भी हम वापस नहीं गए हैं क्योंकि दुल्हन की विदाई हो रही है, अभी तक अंधेरा हो गया, आपको पता है आजकल एकदम अचानक से अंधेरा हो जाता है जैसे कि, तो आप लोगों को मैं सीधे ब्रोड पहुंच के मिलती हूँ। अभी तो बहुत ज्यादा अंधेरा 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 हो गया है और ठंड भी हो गई है। यहाँ पर दुल्हन का स्वागत किया जा रहा था मेन गेट में, और हमारे यहाँ रिवाज है शगुन मांगा जाता है, तो गेट में जब रिबन काटते हैं तो जैसे सभी मांगते हैं वेलकम के लिए, तो वैसे ही शगुन ले रहे थे पर दे नहीं रहे थे कोई ढंग से, तो बैंस वगैरह कर रहे थे, थोड़ा बहुत हंसी मजाक तो चलता ही है शादी में। अब दुल्हन की मम्मी के द्वारा दूल्हा दुल्हन की आरती की जाती है हमारे ट्रेडिशनल तरीके से, तो कुछ ऐसे की जाती है, ये ज़रूरी होता है, कंपलसरी भी होता है, ऐसी आरती तो होती ही होती है मतलब। आरती होने के बाद
जो भी दुल्हन के साथ आए होते हैं लड़का लड़की, अभी उन्हें ऐसे एक धागा मोली नहीं होती है जो हाथ में बांधते हैं, उसके अंदर कवर करके ले जाती है दुल्हन की माँ अपने घर तक, अंदर मतलब जहाँ उन्हें बिठाया जाएगा वहाँ तक। अंदर जाके थोड़े बहुत और रीति रिवाज है हमारे, वो होंगी रस्में होंगी कुछ दो चार, और बस वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो मैं खुद अंदर नहीं गई थी। ये सब होने के बाद हम लग गए अपना खाना खुना खाने और हमने किया मस्त थोड़ी देर डांस, तो आप लोग भी देखो। अभी भी लोग डांस कर रहे हैं उधर, शादी उधर लगी है, तो मैं तो आ गई क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए भाई बारात में गए थे, तो घर जाना ही बेटर समझा मैंने। और बस मैं घर जा रही हूँ, जैसे मैंने आपको बताया सब लोग वहाँ पर डांस कर रहे हैं पर मेरा मन बिल्कुल नहीं है डांस करने का बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। आज हम बारात में गए थे जैसे कि, तो ऐसा ऐसा रहा पूरा दिन, बहुत मज़े किया और वापस भी आ गया। हाँ बहुत मज़े किया, मैं बारात में शायद सेकेंड टाइम गई हूँ कि फर्स्ट टाइम मैं बारात में गई हूँ, मेरे को याद नहीं, बचपन में गई हूँ तो कभी पता नहीं, और मैं आज तक कभी बारात में नहीं गई हूँ गाँव की शादी में तो स्पेशली। और ब्लॉग का एंड में मैं यहीं पर कर रही हूँ, आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।